हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज एक और नई सफ़र की शुरुआत करते हैं, और ये सफ़र ख़त्म होगा एक मंदिर के तरफ जिसका नाम है रामदरा मंदिर, रामदरा टेंपल, जो कि मेरे लोकेशन से 30 किलोमीटर था और आप पुणे स्टेशन से काउंट करेंगे तो 25 किलोमीटर जाता है। और ये आप सोलापुर हाईवे रोड से भी जा सकते हैं। और ये जो गांव है ना, ये लोनी भोर गाँव बोलते हैं इसको, लोनी कोलभोर गांव बोलते हैं। और इसका एक हिस्ट्री है कि ये मंदिर जो है ना, कि इस चीज़ पे बनाया गया था कि इस मंदिर जाई जो ये लोकेशन है, यहाँ पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के टाइम पे, वनवास के दौरान यहाँ पे रुके हुए थे, यहाँ पे स्टे किए थे। तो इसलिए ये मंदिर बनाया गया था। और इस मंदिर को फिर से बनाया गया था 1970 में, जो कि एक संत रह चुके हैं उन्होंने इसे बनाया था, धुंधी बाबा। और जो आप एंट्रेंस करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कैमल राइड भी मिल जाता है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू व्हीलर्स अंदर जाते हैं, फोर व्हीलर्स बाहर ही रुक जाते हैं। और ये मंदिर का एंट्रेंस था। और बारिश यहाँ पे बहुत ही सुंदर बारिश होने लगी थी, बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था। मंदिर तो सच में बहुत ही अद्भुत दृश्य है वहाँ का, क्योंकि जो मंदिर है ना वो लेक के बीच में घिरा हुआ है, तीन तरफ से लेक है और एक तरफ से एंट्रेंस बनाई गई है, जोड़ी गई है मंदिर को। तो ये उस मेमोरी को लेते हुए धुंधी बाबा ने इस मंदिर को 1970 में बनाया गया था, जो इतनी पुरानी मंदिर है और इतनी अच्छे से इसको वेल मेंटेन किया गया है ना, कि आप अद्भुत ही नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी है, जैसे कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे आप फैमिली के साथ आके पिकनिक मना सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही क्लीन है, यहाँ पे इतने लोग हैं लेकिन गंदगी बिल्कुल मुझे नहीं दिखी कहीं पे भी, बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। मंदिर के जो नक्काशी है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत अद्भुत नज़ारा है। जो झील के बीच में ये मंदिर है, लेक के बीच में जो मंदिर है, इतनी सुंदर व्यू है। और अंदर से जो पानी का व्यू आता है ना मंदिर के अंदर से, वो भी अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे आपको स्लीपर्स और शूज जो भी आपको बाहर ही निकालना होता है, फिर वहाँ पे एक टैप भी दिया हुआ है जहाँ पे आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं मंदिर में एंट्रेंस से पहले। इसमें गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, शंकर भगवान के 12 रूप का उसमें कमल के बीच में वो बनी हुई है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर है। अगर आप पुणे महाराष्ट्र में हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए, इतना अद्भुत नज़ारा आपको आँखों में कैप्चर करना चाहिए, यादों में रखना चाहिए, बहुत ही सुंदर है। और मंदिर तो आपको पता है, नंदी भगवान का दर्शन मुझे हुआ, शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी, बहुत सारे संत महात्माओं की दृश्य उसमें आपको दिखेंगे, दीवालों पे नक्काशी की गई है। और यहाँ पे क्या है ना कि ये लॉक किया हुआ है, अंदर जाने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आल्सो। और आपको एक बार ज़रूर इस मंदिर में आना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। थैंक यू।